मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जैसे जैसे आचार संहिता लगने की तारीखें नजदीक आ रही हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाएं बढ़ती जा रही हैं। प्रदेश के अशोकनगर के चंदेरी में लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सांसद केपी यादव भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने कहा कि 2023 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। अगर सरकार बनती है तो वह हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। रोजगार देने की बात मुख्यमंत्री तब कर रहे हैं जब आचार संहिता को कुछ ही दिन बचे हुए हैं। वहीं लाडली बहनों और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बहनों को अब रसोई गैस 450 रुपए में दिए जाने की घोषणा भी उनके द्वारा की गई है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जिन लाडली बहनों के नाम रसोई गैस के कनेक्शन नहीं है, उनके पति के नाम पर दर्ज सिलेंडर बहनों के नाम पर ट्रांसफर किए जाएंगे और इसका लाभ उन्हें 450 रुपए में मिलने वाले गैस सिलेंडर के रूप में होगा। रसोई गैस महंगी हो गई थी कि नहीं? अब मध्य प्रदेश की धरती पर उज्ज्वला की जो बहने हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला रसोई की और उसके साथ लाडली बहना, तुम सबको 450 रुपया में रसोई गैस दी जाएगी। अच्छा, कई बहनों ने बताया कि हमारे तो नाम ही नहीं है, हमारे उनके नाम पे है। तो भैया, जिनके पति के नाम पे है उनका जो कनेक्शन है वो बहनों के नाम पे ट्रांसफर करवा दो, 450 में हम देंगे आपकी सुविधा, आपकी जिंदगी अच्छी बनाने। परिवार की सरकार है, परिवार का मुख्यमंत्री है, परिवार की सरकार ये सारे काम करते हुए। और एक बात और सुन लेना ध्यान से, अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की आपके आशीर्वाद से बनेगी, बनी तो हर घर में एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा, परिवार के एक सदस्य को रोजगार, ताकि भटकना ना पड़े। क्योंकि हम केवल कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं आए, हम आपकी जिंदगी बदलने आए हैं। मेरे बहनों और भाइयों, विकास के सारे काम करेंगे। बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने कभी भी जनता की भलाई और कल्याण की चिंता नहीं की। देखो, एक तरफ रोज मुझे आप देख रहे होंगे, सवेरे निकलता हूं, देर रात तक घूमता हूं और जहां जो जरूरत होती है उसकी व्यवस्था करके आता हूं, लगातार विकास के काम। जरा दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, कमलनाथ की सरकार भी आई थी और दिग्विजय सिंह भी मुख्यमंत्री रहे थे, बताओ विकास के इतने काम कभी उन्होंने किए थे क्या? जोर से बोल के बताओ, किए थे क्या? और जनता के कल्याण की योजनाएं, बेटी मैं बाद में लूंगा, मैं क्या जनता से दूर नहीं रह पाता तो मैं पास आ गया हूं आपके, और पास आ जाऊं? अरे, जनता ही में समाना है, जनता ही में रहना है, जनता ही के लिए जीना है और जनता ही के लिए मरना है, इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।